जी को देख लिया कृष्णा। हम लोग सब भगवान श्री राम देव जी का भजन सबसे पहले कनाडा अपना प्रकट करके बच्चे आप लोग सीधे करके बैठे घर के सामने। राम कृष्णा शरणम, राम कृष्णा शरणम, राम कृष्णा शरणम शरणे, जय राम कृष्णा शरणम, राम कृष्णा शरणम, राम कृष्णा शरणम शरणे। प्रभु कृपा हि केवलम, कृपा हि केवलम, कृपा हि केवलम शरणे। प्रभु कृपा हि केवलम, कृपा हि केवलम, कृपा हि केवलम शरणे। जय जय राम कृष्णा शरणम, राम कृष्णा शरणम, राम कृष्णा शरणम शरणे। शरणागत हम, शरणागत हम, शरणागत हम शरणे। प्रभु शरणागत हम, शरणागत हम, शरणागत हम शरणे। जय जय राम कृष्णा शरणम, राम कृष्णा शरणम, राम कृष्णा शरणम शरणे। गुरवे नमो नमः, प्रभु नमः गुरवे, नमः गुरवे, नमः गुरवे नमो नमः। जय जय राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरणे। राम कृष्ण, राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण, 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 राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरणे। जय राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरणे। म्यूजिक कम कर दीजिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस पर आप सबका स्वागत है। टुडे इज़ दी इंटरनेशनल योगा डे एंड इंटरनेशनल म्यूजिक डे। इसको मनाते हुए हम लोग योगा के साथ साथ एक भजन भी किए थे। गई 21 दिन तक आप लोग ये योगा शिविर में अंश लिए थे, इसलिए आप सबको बधाई। योग किसको कहलाता है? योग का मतलब युक्त होना। किसके साथ युक्त होंगे? हमारे सबके भीतर परमात्मा विराजमान है, सबके भीतर है, जीवात्मा रूप से हैं और एक परमात्मा विराट रूप से बाहर में विराजमान है। सो भीतर में जो जीवात्मा है और सृष्टिकर्ता जो परमात्मा है, उनके साथ युक्त होना।
युक्त कैसे होंगे? हम लोग युक्त तो हैं ये नहीं, हम लोग वियुक्त हैं, लेकिन हम लोग जो युक्त हैं इसमें सचेतन होना, टू बी अवेयर दैट वी आर ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सेल्फ, इंडिविजुअल सेल्फ जीवात्मा, यूनिवर्सल सेल्फ परमात्मा। तो कैसे युक्त होंगे? हमारे पूरा शरीर मन के साथ युक्ति होना, हमारे शरीर जो शीशा का सामने दिखाई जाता है वो हमारे शरीर का 20% है, 1/5। हमारे 5 शरीर है, एक को दिखाई पड़ता है शीशा का सामने, इसको स्थूल शरीर कहलाता है, अन्नमय कोष जो भोजन के साथ वृद्धि होता है, भोजन बंद करने से वो दुर्बल हो जाता है, यह है स्थूल शरीर। लेकिन ये एकमात्र नहीं है, इसके पीछे और 4 शरीर है, और प्रत्येक शरीर का 7 परमात्मा के साथ युक्ति होना चाहिए। तो शारीरिक युक्ति कैसे होता है? वो योगासन से होता है, जो आप लोग 21 दिन से किए हैं, और आशा है आगे प्रतिदिन करेंगे, एवं 1 जून 2025 में पुनः यहाँ पर आगमन करेंगे। 1 साल तक घर में करेंगे, और इस बीच में अगर जो स्थानीय व्यक्ति हैं वो आप आ सकते हैं, रामकृष्ण मठ में दैनंदिन होता है, इसी समय से होता है, और जो अस्पताल में आने चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। इसके परिवर्तित इतना सुबह में आने का अगर असुविधा हो तो 7 से 8 वहाँ पर होता है, ऑफकोर्स वहाँ पर 150 रुपया शुल्क लगता है एक कालीन, वो ना के बराबर है, लेकिन यहाँ पर निःशुल्क है। और जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं वो अपने अपने घर में करेंगे। तो योगासन मतलब आसन इसको कहलाता है, स्थिरम सुखमी आसनम। योगासन कोई कसरत नहीं है, शरीर को संतुलित करना। परमात्मा के साथ जीवात्मा तभी संयुक्ति होगा जब हम शांत होंगे। शरीर अशांत है, चंचल शरीर को स्थिर करना योगासन का एक लक्ष्य है। अब कोई भी आसन के मुद्रा में बैठते हैं, सिद्धासन हो, पद्मासन हो, कोई भी आसन, उसका लक्ष्य है शरीर को स्थिर करना एवं शुड बी कंफर्टेबल। स्थिरम सुखम ही आसन याद रखिएगा, स्थिर होगा सुख में होगा। अगर कोई आसन करने में कष्ट हो रहा है वो आसन नहीं है, आनंद होना चाहिए, सुख होना चाहिए शारीरिक रूप से। ये शरीर के पीछे द्वितीय शरीर है प्राणमय शरीर, बॉडी ऑफ वाइटल एनर्जी, इसमें आपका श्वास प्रश्वास होती है। इस श्वास प्रश्वास को संतुलित करने के लिए हमारे प्राणायाम का विधान दिया गया है, आप लोग किए हैं। लंबी गहरी श्वास लेना चाहिए, लंबी गहरी श्वास छोड़ना चाहिए। इसके पीछे है मनोमय शरीर, जिसको शांत करने का नाम ही योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध है, और मन को शांत होने का लक्षण है, मन एकाग्र हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं एकाग्रता ही जीवन में सफलता का रहस्य है।
अब जो भी कुछ करेंगे मन अगर एकाग्र होगा उसमें आप सफल हो जाएंगे। मन की एकाग्रता ध्यान से होती है, जो आपको सिखाया गया है। मन ही मन आप प्राणायाम के बाद चुपचाप बैठेंगे, ओंकार को नाम जप करेंगे, मन शांत हो जाएगा। इसका पीछे है विज्ञानमय शरीर, बुद्धि का संतुलित करना, जिसके लिए आपको कुछ किताब दिया जाएगा स्वामी विवेकानंद के, अमृत संदेश ठाकुर मां स्वामी जी का संदेश, वो भी डेली आप कम से कम एक या दो संदेश पढ़ेंगे एवं उसको मनन करेंगे, तब बुद्धि मार्जित रहेगा। बुद्धि का भी पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, वो सदग्रंथ से मिलता है। आपको जो कुछ किताब चाहे आप पढ़ सकते हैं, हम भी दे देंगे, आज निःशुल्क सबको दे देंगे जो यहाँ पर उपस्थित है। और इसके पीछे है आनंदमय शरीर, जिसे हम प्यार करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ईश्वर को प्यार करना। प्यार हम सब को करते हैं, प्यार करना जानते हैं, किंतु सच्चा प्यार नहीं होता है। सच्चा प्यार का 6 लक्षण है, जो नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, वह है गुणरहितम। और कोई आवागमन नहीं होगा, स्थिर होगा, एवं उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। तीसरा, प्रतिक्षण वर्धमानम। सच्चा प्यार सब समय बढ़ते जाएंगे, जागतिक प्यार घटते जाता है। ईश्वर के प्रति प्रेम युक्त होना निरंतर बढ़ती जाएंगे। चौथा है अविच्छिन्नम, निरंतर होगा। कभी वो घटेगा नहीं। एवं सूक्ष्मतरम, अत्यंत सूक्ष्म है, एवं अनुभव रूपम, आपको अनुभव होगा। वो करने के लिए औरों के लिए कुछ करना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, जो औरों के लिए जीते हैं वही जीते हैं, बाकी सब मृतक है। तो दिन में कुछ ना कुछ कर्म आपको सेवा रूप से करना चाहिए। 5 आयाम अगर आप करोगे तब आप भगवान के साथ युक्त हो जाएंगे। आज ये पावन दिवस पर आप सबको हम हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, और ठाकुर मां स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सब आनंद में रहें, स्वस्थ रहें एवं सफल रहें। धन्यवाद, नमस्कार।
नमस्कार।